हम उपासना करते रहते हैं, साधना करते करते रहते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अपने अपने धर्मपंथ के अनुसार, अपने अपने प्रदेश के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ ये होती है कि जिस भगवान की मैं उपासना कर रहा हूँ, भगवान के जिस रूप की, भगवान तो एक ही है सबका, भगवान के जिस रूप की, जिस नाम की उपासना मैं कर रहा हूँ, वो उपासना मुझसे सही तरीके से हो, सही तरीके से हो। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रों का उच्चारण सही हो, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण सही कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। अगर कुछ गलती भी हो जाए मंत्र के उच्चारण में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो भाव है वो गलत नहीं होना चाहिए। उपासना के समय मेरा भाव शुद्ध रहना चाहिए, कम से कम पूरे दिन में तो नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मेरे मन में कुछ बुरे विचार आते हैं, लोगों के साथ बात करना पड़ती है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। कम से कम जब हम उपासना करते तभी तो मेरा भाव शुद्ध रहे, और ये शुद्ध भाव ही राधा स्वरूप है, भगवती राधा जो है ये शुद्ध भाव है। तो भगवान विष्णु जो है, जो कृष्ण किशन कन्हैया है, वो मूल भाव है। शुद्ध भाव के पहले मूल भाव होता है। अब इसमें अंतर क्या है? भाव शुद्ध और अशुद्ध, ये द्वंद्व ही जहां उपस्थित नहीं है, ये श्री कृष्ण जी की स्थिति है।